वैसे तुम इतने परेशान क्यों लगे? मेरे जो हालात हैं उस हिसाब से सिर्फ इतना कह सकता हूँ यार कि ये जो अपने होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी आंखों के सामने हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। देखो, जिंदगी में परेशानी और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान को इनके सामने हार नहीं माननी चाहिए। उन शीशियों में सिर्फ ग्लूकोज है जिससे मेरी रोशनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखो, चढ़ गया तुम पे मेरी गलती का। तनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच साबार करा, तू जावे जे मैनु छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुणाल जी मेरे पति हैं। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। हेलो हेलो डैड, क्या कौन बोल रहा है? सॉरी, कौन बोल रहे हैं? मैं अभी मेरा बोल रहा हूँ। अभी? आई एम सो सॉरी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ खुराना। अभी तुम्हें याद होगा एक बार तुमने गलती से मुझे फोन मिला दिया था। आई एम रियली सॉरी, आज मुझसे गलती से तुम्हारा फोन लग गया। हाँ याद है, लगता है कोई कनेक्शन है हम दोनों का। वैसे तुम इतने परेशान क्यों लग रहे? सच कहूँ तो परेशान तो तुम भी लग रहे हो अपनी आवाज से। वजह क्या है क्या नहीं है मैं उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन मेरे जो हालात हैं उस हिसाब से सिर्फ इतना कह सकता हूँ यार कि ये जो अपने होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी होता है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी आंखों के सामने हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। अगर खुश होना चाहते हो दोस्त, तो अपने रिश्तों को संभाल के रखो बस। देखो, जिंदगी में परेशानी और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान को इनके सामने हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कई फेज ऐसे होते हैं जिनका ख्याल आपके जहन में नहीं आता, लेकिन फिर भी जिंदगी आपको उनसे रूबरू करवा ही देती है। देखो, परेशानियों के जो बादल है वो छटने के लिए ही होते, इसलिए अपना होप मत हारना, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया का है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू अभी, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तुम अपना ध्यान रखो, मैं अपना रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम फोन पे नहीं आमने सामने मिलेंगे। टेक केयर अभी, थैंक यू सो मच, बाय। रोशनी, ओ भाई, खेल खत्म, पैसा हजम। खबरदार, अब रोशनी के कमरे में घुसने की जरूरत भी नहीं। तो यहां
ताई चल बुढ़िया। ताई तेरा इस घर में काम खत्म हुआ, चल निकल। ताई निकल इस घर से, ताई को छोड़ दो। उनकी कोई गलती नहीं है। रोशनी उनको मत दिखा। और तू सुन मेरी बात बुढ़िया, दोबारा इस घर के आसपास भी नजर आई ना तो मैं तुझे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगी। फिर अनारकली बनी फिरती रहना जहाँ फिरना है। कहा था मैंने आप लोगों को ये सिर से मिली हुई है, आप लोग ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो देखो इस बुढ़िया को। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या किया है? आप लोग तो मेरा परिवार है, मैं आप लोगों के साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? रोशनी मेरी बच्ची है और उसने मुझे जो कहा करने के लिए मैंने कर दिया और आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। बंद कर तू अपना नाटक और निकल यहाँ से। देखिए एक मिनट बा, एक मिनट सोच। अरे बात सारे पड़ोसी देख रहे हैं, सुन रहे। एक बेकसूर औरत पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे रात हो रही है, हम सबको सोने दो ना, क्या हंगामा मचा रखा है, है? जो कुछ तमाशा करना घर के अंदर जाके करो, सोने दो हम लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हद हो गई है, चैन से सो भी नहीं सकते। अरे भाई आप लोगों को जो कुछ करना है ना घर के अंदर जाकर करिए, समझे? वरना मैं सोसाइटी वालों को बुलाकर आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। आओ ज्योति बहन, आओ। नहीं अंदर आ जाओ ज्योति बहन, जाओ चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। चलिए चलिए ज्योति जी, जाओ सो जाओ सब, चलो, चलो। जाओ सो जाओ सब। सुनो ज्योति बहन, अंदर आ गई हो, लेकिन आज के बाद वो सिद्धार्थ से मिली, उसको देखा और उससे बात तक की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मानी कसम, करो जिसे जो करना है। अरे टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना जामुंटी। जामुंटी? यस जामुंटी, टेंशन मत लेना हो, मैं हूं, इतना याद रखना। कैसी बुड्ढे, आज रात में ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। बहुत अपने आशिक को याद कर रही है ना, आज तुझे डबल डोज देके किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। कौर तो बहुत सारा खून निकल रहा है, मैं जाके साफ करके आती हूँ। ये आया ऊंट पहाड़ के नीचे और ये आया मेरे हाथ में हुक्म का इक्का। इस बार ये दवाई अपनी पहचान नहीं बदलेगी शबनम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इस खेल में तुम किस कदर मुंह की खाने वाली हो। अब रोशनी की याददाश्त वापस लाने से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।
कबर्ड कैसे खुला हुआ है? लगाओ लगाओ शब्बू रानी, चाहे जितने इंजेक्शन लगाओ, उन शीशियों में सिर्फ ग्लूकोज है जिससे मेरी रोशनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कहीं वो अस्पताल गए थे, वहां तो कुछ। शबनम साफ साफ बताओ तुमने रोशनी के साथ क्या किया है। मैं क्यों कुछ करूंगी? रोशनी उठो उठो उठो, ठंडे पानी से नहा लो, राहत मिलेगी। संभाल आप लोगों को हो क्या क्या है? एक मासूम बच्ची के पीछे आप लोग हाथ धोकर पड़े हुए। वो एक्चुअली एक सेकंड, मुझे तो लगता है इस ज्योति ताई ने ही जरूर कुछ किया है। वैसे भी इसकी गारंटी क्या है? कल तुम ही ले गई थी ना रोशनी दी को अपने साथ। वाह, ये अच्छा है। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो उल्टा इल्जाम मुझ पे ही लगा दो। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। ज्योति बहन, वो रोशनी नहा के आए ना, उसको अच्छे से लेप लगा देना, वो हल्दी तक बेहतर लगने लगेगी, ठीक है? बस बंद कर अपना ये तमाशा। आज के बाद रोशनी को एक और इंजेक्शन दिया ना तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा। अरे तेरा बस चलेगा ना तो तू रोशनी की जान ले लेगी। एक बात याद रखना, रोशनी मेरी जान है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? कुणाल छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। अकल के अंधे हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता ज्योति ताई की कोई नई चाल है? वो हर बार तुम्हें बेवकूफ बनाती है और तुम आसानी से उसकी जाल में फंस जाते हो। चुप, एकदम चुप। ज्योति ताई हमारे साथ लाख बुरा करे, जितनी बार मर्जी धोखा दे, पर वो रोशनी के साथ गलत नहीं कर सकती। शादी में 2 दिन बाकी हैं। रोशनी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि रोशनी को पाना चाहता था, पर अगर रोशनी पे बात आई ना तो तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। सबके सब पागल हो गए हैं। नाइस, प्लान सक्सेसफुल। सॉरी रोशनी, ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा है। बस आधे दिन थोड़ा चलेगा, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचा रहा हूँ, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए यही एक रास्ता है।
लेकिन कुत्ते की तुमको 100 साल भी नली में रख लो तो वो सीधी नहीं होती। अपनी शब्बो रानी भी कुछ ऐसी ही है। वो फिर से अपना छोटा सा दिमाग दौड़ाएगी और कोई ना कोई कांड करने की कोशिश करेगी। मुझे तैयार रहना होगा। ये उतरन वाली हल्दी जाके अपनी होने वाली बहू को लगा दे, और निखर जाएगी वो। लो जा, अब जाके नहा ले बेटा। ये हल्दी टीडी पटेल की बर्बादी की बुनियाद है। बस एक बार रोशनी की शादी हो जाए, और होगी क्यों? आखिर मैंने उसे इतनी बार दवा के इतने डोजेस दिए कि उसकी याददाश्त कभी वापस आ ही नहीं सकती। हल्दी का रंग तो जरूर खेलेगा। जब सिद्धार्थ है तो हल्दी का रंग ना खेले ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसके साथ एक और रंग खेलेगा, रोशनी की याददाश्त का। क्योंकि जिन इंजेक्शंस को तुम दवा समझ के रोशनी को लगा रही हो वो ग्लूकोज का इंजेक्शन है, और ग्लूकोज से आज तक किसका बुरा हुआ है जो रोशनी का बुरा होगा? बेवकूफ है मेरी लाइफ के सारे विलन, बेवकूफ है अकल के अंधे। कौन है? कौन है पे? चेहरे के कोने पे आपने हल्दी लगा दी। अरे तुम देखना, मैंने ये अपने हाथों से तुम्हारे चेहरे पे जो ये हल्दी लगाई है ना, तुम्हारा रूप है ना ऐसे निखर जाएगा, ऐसे निखर जाएगा, दर्पण में भी नहीं समाएगा। लेकिन प्रेमल जी, ना तो हल्दी लगाने की आपकी उम्र है और ना मेरी। क्या बात करती हो जामुनती, हम दोनों को इतने छोटे थोड़ी है। छोटे हैं है? बहुत छोटे हैं। ठीक नहीं है, क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मन कह रहा है कि यह सही नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ रोशनी कि तुम मुश्किल में हो, फंसी हुई हो, सोच रही हो कि कुछ तो गड़बड़ है। परेशान मत हो रोशनी, तुम्हारे ऊपर हल्दी लगेगी। जरूर लगेगी, लेकिन सिर्फ मेरे नाम की। बाकी ये सब तो मैं होने नहीं दूंगा। चला चला। रोशनी दी, आपको सबसे पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगी, और पता है इस हल्दी से आपके रैशेस भी अच्छे हो जाएंगे। बेचारी बच्ची के सारे कपड़े गंदे कर दिए। रोशनी, दाग पक्का हो जाएगा, जाओ अभी जाके धो लो। उठो उठो उठो। ताई। प्रेमल तू भी ना। प्रेमल जी, thank you.
कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लोग कहते हैं कि हल्दी का रंग तब चढ़ता है जब हल्दी में थोड़ी शरारत मिलाई जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि हल्दी का रंग तब चढ़ता है जब उसमें थोड़ी हिम्मत मिलाई जाए। चढ़ गया तुम पे मेरी हल्दी का। तुम हर बार तुम्हारे लिए हल्दी से पहले तुम परेशान थी, दुखी थी, मुझे याद कर रही थी। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने दिल से बुलाया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे बुलाओ और मैं ना हूँ। जिंदगी ने की है कैसी साजिश, तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ रोशनी। मुझे देखा तक नहीं इसने, चल क्या रहा है? मोहब्बत के रंग कभी कभी लगता है कि अच्छा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, इसी बहाने मोहब्बत के सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस सब में रोशनी को बहुत तकलीफ हुई है, और मुझे अपनी रोशनी की सारी तकलीफें दूर करनी है, और ये जितने भी चुंबन के दुश्मन हैं इन सबकी तो लाइन से वाट लगानी है।